आज मैंने बनाया है साबूदाना बनाना शेक। गर्मी का मौसम आ गया फ्रेंड्स, तो कुछ ठंडा ठंडा पीने का मन करता है, ठंडा ठंडा खाने का मन करता है। तो मैंने बनाया यहाँ पे बनाना साबूदाना शेक। तो आप इसको बनाइए और इन्जॉय करिए और अपने दिमाग को बिल्कुल ठंडा करिए। कूल कूल बनाया ये। तो चलिए अब हम बनाना शेक बनाने की रेसिपी शुरू करें। तो यहाँ पर लिया है मैंने आधा कप साबूदाना और इसको मैं एक बाउल के अंदर डालूँगी और इसको मैं अच्छे से वॉश करके इसको 10 मिनट के लिए हम यहाँ पे भिगो के छोड़ देंगे। और अब मैंने लिए यहाँ पे दो बनाना और इनको छील लिया है। अब हम इनको मिक्सी जार में डालेंगे और इनको पीस लेंगे, इनका पेस्ट बना लेंगे ऐसे कट करके। तो देखिए यहाँ पे मैंने बनाना का पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैंने लिया एक पैन और फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन। अब इसके अंदर डालूंगी मैं एक गिलास पानी और इस पानी को हम अच्छे से बॉयल होने देंगे। तो यहाँ पे पानी में उबाल आ गया। अब इसके अंदर डालेंगे हम जो हमने साबूदाना भिगो के रखा था वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे और अब हम साबूदाने को अच्छे से पकाएंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। यहाँ मैंने पैन में लिया है आधा लीटर दूध और इसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने आधा कप दूध। अब मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए फ्रेंड्स। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम कस्टर्ड पाउडर वाले दूध को इस दूध के अंदर कर देंगे मिक्स और इसको अच्छे से चलाते हुए हम यहाँ पे उबाल लेंगे। दूध में अच्छे से उबाल आने देंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दूध में अच्छे से उबाल आ गया। अब इसके अंदर डालूंगी मैं 2 चम्मच चीनी और इसको भी हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी भी इसके अंदर होगी अच्छे से मिक्स। अब हम इसके अंदर डालेंगे बनाना की प्यूरी। और बनाना डालने के बाद ऐसे विस्क की हेल्प से इसको अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से यहाँ पे और इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पे दूध हो गया अच्छे से बॉयल। अब हम इसको यहाँ पे ठंडा होने के लिए रख देंगे और फ्लेम को कर देंगे ऑफ। और देखिए ये हमने जो साबूदाना पकाया था ये भी अच्छे से ट्रांसपेरेंट हो गया और अच्छे से पक गया है। तो यहाँ पे दूध हो गया हमारा अच्छे से ठंडा। अब हम इसके अंदर साबूदाना मिक्स कर देंगे। और उसको विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो साबूदाना देखिए इसके अंदर हो गया अच्छे से मिक्स और यहाँ पे रेडी है हमारा साबूदाना बनाना शेक। देखिए एकदम क्रीमी क्रीमी। और हम इनमें डाल देंगे कुछ कट किए हुए ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है कट किया हुआ बादाम तो रेडी है हमारा यहाँ पे शेक। तो एंजॉय।